सम्मानित साथियों, एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेट सोशलिज्म इज द ओनली वे टू इंश्योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इस विषय पर पक्ष की तौर पर अपनी बात, अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं और यहां पर सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों एवं सभी निर्णायक मंडल को जय भीम का इस्तकबाल करता हूं। सामान्य साथियों, अगर मैं एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट सोशलिज्म की बात करता हूं, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट सोशलिज्म इस देश के अंदर में अगर किसी ने सबसे पहले स्वीकार किया होगा, किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश का संविधान बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सामान्य साथियों, इस देश के अंदर में स्टेट सोशलिज्म की कंसेप्ट को, स्टेट सोशलिज्म की कंसेप्ट को अगर जानना है तो हमें इतिहास की ओर जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज कभी अपना इतिहास बना नहीं सकता। इतिहास से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है और ताकत से आदमी शासक बनता है। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर में 15 मार्च 1947 की ऐसी सुबह निकली जिस देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब को पूछा गया कि बाबा साहब, आप इस देश का संविधान बना रहे हो और संविधान के अंदर में आप स्टेट सोशलिज्म की कंसेप्ट को डाल रहे हो, तो प्रोफेसर के डी साहब ने बाबा साहब को पूछे कि आप स्टेट सोशलिज्म क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। आप अगर आपको यह पूछा जाएगा कि अगर राष्ट्रहित और राज्य का समाजवाद ही अगर लेना चाहोगे तो आप किस चीज को एक्सेप्ट करोगे, तो बाबा साहब ने रिप्लाई किया प्रोफेसर शाह साहब को, कहा अगर इस देश के अंदर में नेशनलाइजेशन और स्टेट सोशलिज्म की अगर बात आई तो मैं स्टेट सोशलिज्म को पहले एक्सेप्ट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जिस समाज से मैं ताल्लुकात रखता हूं वो समाज हाशिए पर खड़ा है, उस समाज की ऐसी दयनीय अवस्था है कि वो ना ही मान सम्मान से जिंदगी जी सकता है, ना ही वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना ही वो अच्छे से रह सकता है, ना इसको पानी पीने का अधिकार है, ना इस समाज में उसको रहने का अधिकार है। अगर मेरे समाज का मैंने हित नहीं देखा तो ये मेरा समाज ऐसा ही पीछे रहेगा। और इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया इस देश के अंदर में, जब प्रोफेसर साहब ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो बाबा साहब ने उनको रिप्लाई दिया कि इस देश के अंदर में जो वर्णा सिस्टम इस देश में जो लागू हुआ और उसका एग्जाम्पल दिया, इस देश के अंदर में प्रकाश के लोग जो प्रीडोमिनेंस के लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं, उसके बाद में इस देश के अंदर में क्षत्रिय लोग हैं जो पैसे से इस देश के अंदर में युद्ध के दरमियान युद्ध का काम करते हैं, और इस देश के अंदर में वैश्य समाज है जो इस देश में व्यापार करता है, उसके बाद मेरा समाज जो 85% इस देश के अंदर में है वो मेरा SC ST OBC SPC BJP जो 6743 जातियों में बटा गया है। सम्मानित साथियों, तो फिर इस देश के अंदर में जो हायरार्की जो बनी, जो इस देश के अंदर में प्रीडोमिनेंस क्लासों ने इन अछूतों को कोई भी इकोनॉमिक पावर इनसे छीन गए थे, इस इकोनॉमिक पावर के लिए बाबा साहब ने कहा अगर हमारे समाज ने तुम्हारी टट्टी साफ की है, हमारे समाज ने तुम्हारी बहु बेटियों की डोली उठाई है, हमारे समाज ने तुम्हारी दिहाड़ी मजदूरी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ना ही उसके मुकाबले कोई इनकम मिल रहा है, एक कैसा इस देश के अंदर में पूंजीवाद था, और उसी पूंजीवाद के छाटड़े पर लात मारने के लिए बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म की कंसेप्ट को काल मार्क्स को लेकर के सम्मानित साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नेपाल के काठमांडू में जब कॉन्फ्रेंस लिए, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा साहब ने कहा था इस देश के अंदर में अगर स्टेट सोशलिज्म की कंसेप्ट को पूरे वर्ल्ड के अंदर में किसी ने रखा होगा तो महात्मा गौतम बुद्ध ने रखा था, जो एक रोहिणी रिवर के लिए जो कंप्लीट हुआ था, उस कंप्लीट के दौरान जो इस देश का मुन्नीवासी वंचित समाज है उसके ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है, अगर इसको रोकना है और अगर उनको मान सम्मान के साथ अगर उनके पास ट्रेजरी रहना चाहिए तो स्टेट सोशलिज्म कंसेप्ट बहुत ही अति महत्वपूर्ण। अपितु इस देश के अंदर में मैं कहना चाहूंगा कि लॉ का छात्र हूं मैं, मेरा काम है आईना दिखाना, मैं बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता और इस जुल्म की चाहे जो सजा दो, इस जुल्म के आगे मैं खामोश नहीं रह सकता। सम्मानित साथियों, अगर इस देश के अंदर में इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो इस देश में हाशिए पर खड़ा समाज अगर आज ब्राह्मण बनिया मारोड़ी के कॉम्पिटेंसी में अगर आज खड़ा है तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर ने डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करी थी, जिस लोक कल्याण
कई राज्य हमने जम्बूद्वीप रियासत में सम्राट अशोक के दरमियान हमने देखे थे। इस देश को सोने की चिड़िया करके संबोधित किया जाता था। अगर ये ऐसा जम्बूद्वीप अगर सोने की चिड़िया था तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था, इस देश के अंदर में स्टेट सोशलिज्म था और उसको फिर से मोनार्कियल और जो डिक्टेटरशिप जो पावर्स इस देश में आए हैं उसको खत्म करने के लिए स्टेट सोशलिज्म अति महत्वपूर्ण है। अगर आज वर्तमान स्थिति में हम लोग देखें तो कुछ चंद गिने चुने लोगों के पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर है। हम मानते हैं कि उनके पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, लेकिन उस इकोनॉमिक पावर को भी हम खत्म कर सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं। फ्रेमवर्क के तहत अगर इस देश के अंदर में बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा की अंतिम सभा में कि संविधान कितना भी अच्छा हो अगर उसे चलाने वाले लोग अगर गलत हो तो अच्छा संविधान भी गलत हो सकता है, और चलाने वाले लोग अगर गलत हो और कितना भी गलत संविधान हो वो गलत संविधान भी अच्छा बन सकता। लेकिन सम्मानित साथियों इस देश के अंदर में उस अच्छे संविधान को बदनाम करने के लिए कुछ मनुवादी ताकतें आज इस देश की हुक्मरान जमात बन चुकी है और वो राज्य समाजवाद के आड़ में एक मोनार्कियल पावर हमें दिखाई दे रहा है। आज इस देश के अंदर में हंगर इंडेक्स अगर देखते हैं तो साथियों 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को बिना खाए सोते। ऐसी अगर व्यवस्था है तो इस व्यवस्था के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये लोग अगर चाहते इस देश में पूंजीवाद प्रस्तापित करना तो फिर वही बहुजन समाज के तबके के लोग उसी गुलामगिरी के जंजीरों में जकड़ जाए। इसलिए सामान्य साथियों ये लोग चाहते हैं कि इस देश में पूंजीवाद को प्रस्तापित करें, तो फिर मुझे बताइए क्या वो जो गांव के बाहर झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वाला समाज क्या एक मान सम्मान की जिंदगी जी पाएगा? बिल्कुल नहीं जी पाएगा। अभी भी हमें इस बात को बहुत ही इंफोसाइज करना पड़ेगा कि ये लोग कहते हैं संविधान बदलने की बात करते हैं, हम तब तक बदल लेंगे, पांच बदल लेंगे। अरे तुम क्या हमारा संविधान बदलोगे? संविधान बदलने से पहले तुम्हारी सत्ता ही बदल देंगे, सत्ता ही बदल देंगे। जय भीम।